बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर साइंस पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर टॉपिक्स ऑफ आर यूनिट नंबर फोर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बट बिफोर स्टार्टिंग आर वर्क, फर्स्ट रिसाइट दुआ आफ्टर मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओह माय लॉर्ड इनक्रीज माय नॉलेज। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 34। कॉन्सेप्ट चेक, आपको बेटे इस कॉन्सेप्ट चेक में कुछ वर्ड्स के मैंने और आपको इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है और यहाँ पे फिल करना है इन ब्लैंक स्पेसेस में। ओके, नंबर वन, लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर। जी बेटा, लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड। सो दिस वन विल कम हियर, दिस वन। अब सब इसे अनस्क्रैम्बल करें और लिखें यहाँ पे डिपेंड। Now come to number two, plants provide humans and animals with dash and dash. जी बेटा, क्या क्या provide करते हैं humans और animals को? Very good, oxygen and food. अब write down the unscramble form, oxygen and food. Now come to number three, plants need dash to make food. ये तो सबको पता है ना, plants को क्या चाहिए होता है food बनाने के लिए? Which type of gas? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट डाउन द अनस्क्रैम्बल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ कम टू दिस पार्ट, लाइफ साइकिल्स। सो इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ओके, सारे एनिमल्स अपनी लाइफ में वेरियस स्टेजेस से पास होते हैं और इस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल बनती है। हर एनिमल की लाइफ साइकिल में कुछ वेरियस स्टेजेस होती हैं जिनसे वो एनिमल पास होते हैं, बॉर्न होते हैं, ग्रो होते हैं, एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और इस प्रोसेस के दौरान वो अपनी कुछ कॉपीज भी प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं यंग वंस। पढ़ा था ना आप सबने प्रीवियस क्लासेस में कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं यंग वंस। सो ये सब उनका लाइफ प्रोसेस है। आप भी एज अ बेबी बॉर्न हुए थे ना, एज अ बेबी बॉर्न हुए थे, उसके बाद आपकी ग्रोथ हुई है, अब आप चाइल्ड बन गए। कुछ टाइम बाद आपकी और ग्रोथ होगी और फिर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आप लोग टीनेजर बन जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी और ग्रोथ होगी और फिर उसके कुछ टाइम बाद आप लोग बन जाएंगे एडल्ट। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है ना? काओ के बेबी को हम कहते हैं काफ। काफ बहुत जल्दी काओ में टर्न हो जाती है ना? काफ बहुत जल्दी काओ बन जाता है, काओ में टर्न हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो काओ बन जाता है। लेकिन ह्यूमन बेबीज जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, मच लॉन्गर टाइम लेते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बेबीज़ कुछ ही मंथ्स के अंदर एडल्ट नहीं बन जाते बल्कि इन्हें ईयर्स लगते हैं। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल टाइम गेनिंग लाइफ साइकिल है, टाइम लगता है और काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो बेबी चाइल्ड बनता है, फिर टीनेजर, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो ये सब लाइफ साइकिल ह्यूमन लाइफ साइकिल है। ओके बेटा, नाउ कम टू पेज नंबर 35, लुक एट दिस साइकिल। ये लाइफ साइकिल है फिश की। फिश है, फिश ने अपने एग ले किए वाटर के अंदर, इन एग्स में से बेबीज हैच आउट हो गए। जो फिशेस के बेबीज होते हैं उन्हें कहते हैं फ्राई, या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। जब फ्राई की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो बन जाते हैं फिश। फिर उसके बाद फिश प्रोड्यूस करेगी, एग ले करेगी अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए, वाटर में एग ले करेगी, फिर वो एग फ्राई में टर्न हो जाएंगे जब उनकी उनमें से बेबीज बाहर आएंगे, उनकी ग्रोथ होगी, फ्राई बन जाएंगे, फ्राई फिर उनकी ग्रोथ होगी और फिर वो फिश बन जाएंगे। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फिश। नाउ कम टू लाइफ साइकिल ऑफ एम्फीबियन। अब यहाँ पे एम्फीबियन फ्रॉग की लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। ओके, एडल्ट फ्रॉग अपने एग ले करता है क्लस्टर की फॉर्म में वाटर में, जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन। उन एग्स में से जब बेबीज बाहर आते हैं उन्हें हम कहते हैं टैडपोल, और टैडपोल फ्रॉग से बिल्कुल भी नहीं मिलता बल्कि फिश की तरह का लगता है।
फिर उसके बाद टैडपोल की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, उसके लेग्स आ जाते हैं, उसकी टेल डिसअपियर हो जाती है और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट फ्रॉग पॉन्ड से बाहर आ जाता है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स 3 स्टेज लाइफ साइकिल में ग्रो करते हैं और कुछ इंसेक्ट्स 4 स्टेज लाइफ साइकिल में ग्रो करते हैं। जो इंसेक्ट्स 3 स्टेज लाइफ साइकिल में ग्रो करते हैं उनके बेबीज को हम कहते हैं निम्फ, क्योंकि निम्फ जो होते हैं ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह के लगते हैं, बस उनका साइज स्मॉल होता है। ऐसे इंसेक्ट्स की एग्जाम्पल में ग्रास हॉपर है और कॉकरोच है। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रास हॉपर की लाइफ साइकिल गिवन है। ग्रास हॉपर जो है 3 स्टेज लाइफ साइकिल फॉलो करता है, कॉकरोच भी 3 स्टेज लाइफ साइकिल फॉलो करता है। देखिए एडल्ट ग्रास हॉपर था, उसने एग लेके एग में से निकला जो बेबी उसे हम कहते हैं निम्फ, और जो निम्फ होता है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह का होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि वो साइज में स्मॉल होता है, वो साइज में बिग होते हैं एडल्ट, बस ये एक मेन डिफरेंस होता है। तो ये जो निम्फ होते हैं बिल्कुल एडल्ट की तरह के लगते हैं, बस साइज इनका छोटा होता है, और जैसे जैसे टाइम पास होता है इनकी ग्रोथ हो जाती है और ये अपनी स्किन भी शेड करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोल्ड्स। ये अपनी स्किन भी शेड करते जाते हैं टाइम के साथ साथ और इनकी ग्रोथ हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। ओके, सो ऐसे इंसेक्ट्स जो 3 स्टेज लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं उनके बेबीज जिन्हें हम निम्फ कहते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह के लगते हैं। नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 36। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो 4 स्टेज लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं और जो उनके बेबीज होते हैं उन्हें कहते हैं लार्वा, और लार्वा अपने पेरेंट्स की तरह के नहीं लगते बल्कि डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से बहुत। फिर उसके बाद लार्वा की जब ग्रोथ होती है और उनकी डेवलपमेंट होती है फिर वो अपने पेरेंट की तरह के लगते हैं एडल्ट फॉर्म में। ओके, लेट्स डिस्कस क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स 4 स्टेज लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं जैसे हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, उनके वो एग ले करते हैं, वो लोग उनकी एग्स में से जब उनके एग्स हैच होते हैं तो उनमें से जो यंग वन बाहर आते हैं उन्हें कहते हैं लार्वा। उसके बाद लार्वा जो है उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो अपने आप को कोकून में कवर कर लेता है, इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। जब लार्वा अपने आप को कोकून में कवर कर लेता है उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और प्यूपा से बाहर जो फॉर्म निकलती है वो बिल्कुल जो है पेरेंट की तरह की लगती है और एडल्ट फॉर्म होती है। ओके बेटा, अब हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखते हैं। देखिए बटरफ्लाई ने अपने एग ले किए, एग्स की हैचिंग हुई, उनमें से जो यंग वन बाहर आया उससे कहते हैं लार्वा। लार्वा ने फीड किया लीव्स पर, उसके बाद इसकी ग्रोथ भी हुई और उसके बाद इसने अपने आप को एक कवरिंग में कवर कर लिया जिसे कहते हैं कुकून। कुकून में कवर कर लिया अपने आप को लार्वा ने, उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टेज को कहते हैं प्यूपा। फिर इसकी फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई और ये कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया एक एडल्ट बटरफ्लाई में जो कि पेरेंट की तरह की। सिमिलरली लुक एट दिस वन, इस लाइफ साइकिल में भी यही सारी स्टेजेस हैं। हाउस फ्लाई ने अपने एग ले किए, एग्स की हैचिंग हुई, यंग वन जो आया उसे कहते हैं लार्वा। लार्वा ने फीड किया, उसके बाद इसकी ग्रोथ हुई, उसके बाद एक स्टेज आ गई प्यूपा जिसमें लार्वा ने अपने आप को कोकून इनक्लोज कर लिया, कवर कर लिया, और फिर उसके बाद प्यूपा की फर्दर डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई और वो टर्न हो गया एडल्ट हाउस फ्लाई में जो कि पेरेंट की तरह की लगती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसके लिए आपको रीडिंग करनी होगी। ओके बेटा, पेज नंबर 34, 35 and 36, इन 3 पेजेस की रीडिंग आपको करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।